परम आदरणीय सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से सादर चरण वंदना और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कर कमलों द्वारा सफल हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मान्यवर, मेरा नाम वीना देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूरदराज खेतर देवभूमि पाटर से बिलोंग करती हूँ। अठोली मेरे गांव का नाम है सर। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ सर। गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था, जैसे गांव जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना, बहुत दिक्कत आती थी। माननीय महोदय, इस संबंधी ये चूल्हे का जो खाना बनाने की व्यवस्था थी, इससे जीवन की अस्वस्थता के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो गए थे। माननीयवर, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उज्ज्वला जो मुझे कनेक्शन मिला है उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती हूँ, जो कि विद इन घंटे में काम सफल कर सकती हूँ। तो पहला लकड़ी क्या, लकड़ी बाजार से बिकती थी या आपको लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था? जंगल से खुद जाना पड़ता था, खुद काट के लाना पड़ता था। और क्या लाभ मिला है आपको? मान्यवर, मेरे परिवार में आयुष्मान कार्ड प्रत्येक सदस्य का बना हुआ है। राम कृपा से अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई है, किंतु पूरी आश्वस्त हूँ कि कभी भी कोई अगर आपदा आन पड़े तो मेरे मंत्री महोदय ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक उपहार स्वरूप दिया है, जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए।